इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, भाजपा सरकार लानी होगी। बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। एक घंटा नहीं लगाया हमने नर्मदा का पानी आज भी राजस्थान को देते हैं। कांग्रेस साथ आज एक दिक्कत हो गई है, वो भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिक के लिए गौरव बढ़ता है। वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिक के लिए गर्व बनता है। और देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहते हैं। मैं फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं। बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आप याद रखिएगा, बीजेपी आएगी राजस्थान में, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी राजस्थान में, पेपर माफिया को मिटाएगी। मेरे परिवारजनों, जब कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति हो वहां निवेश नहीं होता, वहां व्यापार कारोबार चौपट हो जाता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के हित से ज्यादा अपना वोट बैंक प्यारा है। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं। जोधपुर जब दंगों में जल रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे ना? जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंगवॉर होती है, एक व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। यहां कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य बहन बेटी की यहां क्या स्थिति होती होगी। सिरोही की 8 साल की मासूम बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में 7 साल की बच्ची, कोई मुझे बताए उनका क्या कसूर था? ऐसी कितनी ही मासूम बेटियां हैं जिनको असमय ही हमसे छीन लिया गया। ऐसी कितनी वारदातें कांग्रेस के राज में बेलगाम अपराधियों की सच्चाई बताती है। राजस्थान अब ये नहीं सहेगा। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है?
सुना है, माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या, सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए, ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी, भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। मैं आज आपके बीच आया हूं तो आपको एक और वायदा करूंगा, कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है, चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पानी का महत्व है कि नहीं है? अब आप देखिए भाजपा का चरित्र, देखिए आप भाजपा को समझिए, एक उदाहरण से आप भाजपा के चरित्र को जान सकते हैं। हिंदुस्तान में कई राज्य हैं जहां नदियों के पानी को लेकर के एक राज्य दूसरे राज्य से मार काटने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बूंद पानी एक राज्य दूसरे राज्य को देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भाजपा का चरित्र देखिए, जब गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, मुझे मुख्यमंत्री के नाते सेवा करने का मौका था, नर्मदा का पानी हमारे राजस्थान को जरूरत थी, एक घंटा नहीं लगाया हमने नर्मदा का पानी आज भी राजस्थान को देते हैं और उपकार नहीं करते। हमें गर्व होता है कि मेरे किसान भाई बहनों को हम पानी पहुंचा रहे, ये हमारा चरित्र है। कांग्रेस साथ आज एक दिक्कत हो गई है, वो भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? क्या दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कांग्रेस वालों को नहीं लगता है, उनको दुख होता है।
भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। कांग्रेस तो इससे भी परेशानी है और ये मोदी की गारंटी है। आप देख लेना, कुछ ही वर्षों में मोदी 10 नंबर से